पाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपने कोई अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप की है और आप यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस की फॉर्म में फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को, और कुछ डेटा ऑलरेडी सेव है डेटाबेस में, तो उस डेटा को कैसे एक्सेस करना है, कैसे रिट्रीव करना है, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, ये चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये सेम ऐप है जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। इसमें हमने क्या किया था, यूज़र से एंटर करवाया था कुछ डेटा। ये हमारा जो है फायरबेस का प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमने यूज़र से एंटर करवाई थी नेम एंड एज ऑफ द वेंडर। तो ये इतने सारे हमने यहाँ पर वेंडर्स के नेम और एज क्रिएट किए थे, राइट। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में किया था। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है कैसे ये सब किया गया है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे कि अब हमें क्या करना है, ये वाला डेटा एक्सेस करना है। ये तो हमारा चलो बैकएंड खुला हुआ है, बट अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो आपके पास बैकएंड तो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट। आपको क्या करना होगा, अपनी ऐप के थ्रू यानी कि फ्रंट एंड के थ्रू आपको डेटाबेस में सेव डेटा को एक्सेस करना होगा। तो इसी चीज़ को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमें देखिए इसके लिए क्या करना होगा, हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो यहाँ पर मैंने बनाई है एक नेक्स्ट वन करके एक एक्टिविटी। इसमें देखिए एक सिंपल सा मैंने एक लेआउट दिया है, यहाँ पर जस्ट एक बटन लगाया है। इस बटन की जो हमारे पास आईडी रहेगी वो हमारे पास रहेगी शो, और यहाँ पर मैंने एक यूज़ की है लिस्ट। तो ये यहाँ पर देखिए लिस्ट आ गई है, जहाँ आपको लिस्ट मिलेगी कहाँ, ये जो आपके पास लास्ट में एक पैलेट में लास्ट ऑप्शन है लीगेसी, इसमें आपको लिस्ट व्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके बाद बस इसको आपको एक आईडी दे देनी है जिसको मैंने नाम दिया है लिस्ट। बस इतना हमें करना है, हमें यहाँ पर जस्ट क्या लिया है, एक बटन और एक लिस्ट व्यू। हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हम शो वैल्यू पर क्लिक करें, इस बटन पर क्लिक करें, तो जो पर्टिकुलर हम लोग चाइल्ड का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर सारे, हो सकता है कि सारे चाइल्ड्स का हम डेटा एक्सेस करना चाहें, तो वो सब हमारे पास यहाँ पर शो हो जाए इस लिस्ट में। ये लिस्ट जो रहती है हमारी स्क्रॉल व्यू में रहती है। अब इस लिस्ट में आप डेटा को किस वे में शो करना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। तो वो चीज़ हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग डेटा को कैसे यहाँ पर जो है विजिबल करवाएंगे, रीड करवाएंगे, किस फॉर्म में डेटा को रीड करवाएंगे। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास एक वेंडर, एक ब्रांच है, और ये सब इसकी सब ब्रांचेस हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, अगर हम लोग चाहें कि किसी पर्टिकुलर चाइल्ड का ही डेटा एक्सेस हो तो हम वो भी कर सकते हैं, और आप चाहें कि इस वेंडर वन का यानी कि जो एक तरीके से इस रूट है यहाँ पर, इसका आप डेटा एक्सेस करना चाहते हैं सिर्फ, यानी कि सारा का सारा डेटा एक्सेस करना चाहते हो, ये वाली आईडी का डेटा, ये वाली आईडी का, सारी आईडीज़ का डेटा आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और करेंगे, जो हमने यहाँ पर ये लिस्ट व्यू लिया है, इसके लिए हम लोग एक अलग से एग्जाम्पल फाइल बनाते हैं और वहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमें क्या क्या इसकी सेटिंग को हमें रखना है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोजेक्ट है, इसमें आपको जाना है ऐप पर, SRC में जाएंगे, आप जाएंगे मेन में, और यहाँ पर एक ऑप्शन है रिसोर्सेज का, एक फोल्डर है जिसमें कि लेआउट है। लेआउट में आपकी जितनी भी लेआउट फाइल्स रहती हैं यानी कि XML फाइल्स रहती हैं वो सब यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती हैं। तो आपको यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करनी है, तो आपको लेआउट पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपके पास आएगा ये वाला विंडो ओपन होकर, जिसमें आपको जाना है न्यू पर, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है लेआउट रिसोर्स फाइल, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस। तो फाइल का हम लोग नेम देते हैं, लेट सपोज मैंने इसका नेम दिया, आइटम्स हम लोग नेम दे देते हैं, आइटम्स ओके। जितने भी लिस्ट के आइटम का लेआउट रहेगा वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो ये देखिए XML फाइल क्रिएट हो गई है। सो ये देखिए सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं है यहाँ पर, जस्ट क्या किया है, टेक्स्ट व्यू का एक तरीके से मैंने यूज़ किया है उस लिस्ट व्यू में, एंड उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट दी है, पैडिंग टेक्स्ट साइज़ और उसकी आईडी यहाँ पर हमने दी है। इसमें से आप चाहें तो कुछ आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे पैडिंग या टेक्स्ट साइज़ आप स्किप कर सकते हैं, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ से ले लेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस अपने नेक्स्ट वन डॉट XML फाइल में। तो ये हमारे लेआउट का काम कंप्लीट हो चुका है, ये जो बटन था शो बटन और जो लिस्ट है उसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, एंड इसके अलावा उसको XML फाइल से कनेक्ट कर दिया है यूजिंग फाइंड व्यू आईडी फंक्शन। अभी हम लोग को क्या करना है, बटन जो शो बटन था हमारे पास यानी कि दिस वन, इस पर हमें लगाना है
क्लिक लिसनर कि जब हम इस पर क्लिक करें हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है, जिस भी चाइल्ड का डेटा हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं डेटाबेस से, वो हमारे पास लिस्ट व्यू में शो हो जाए, राइट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो फायरबेस का डेटा होता है उसको एक्सेस करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर और एक होता है ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर। तो सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर से क्या होता है, सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये सब डेटा आपके पास डेटाबेस में अवेलेबल है और आपने इसको एक्सेस किया अपनी ऐप में, ठीक, आपने उसके लिए कोड लिखा पूरा। अब आपने यहाँ पर जैसे वेंडर वन में इतने सारे हमारे पास वेंडर्स हैं जिनकी हमने नेम और एज दी हुई है, तो लेट सपोज आपने ये वाले वेंडर की वैल्यू को डिलीट कर दिया है, तो क्या होगा, जो आपके पास डेटा है वो अपडेट नहीं होगा। आपने ऐप के थ्रू जो डेटा को रीड किया था वो अपडेट नहीं होगा, जो आप एक बार एक्सेस कर चुके हो वही का वही रहेगा, यानी कि रियल टाइम में वो डेटा अपडेट नहीं होगा। डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा बट जो एप्लीकेशन है आपकी जहाँ पर आपने उसको रीड करवाया है वहाँ पर वो चीज़ अपडेट नहीं होगी। जबकि हम जब यूज़ करते हैं ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर तो वहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर डिलीट करोगे तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड में भी। तो ये चीज़ मैं आपको शो करके दिखाऊंगी, अभी हम लोग यहाँ पर जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ मैं आपको शो करूंगी कि कैसे दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग तो यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर का, सो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एक एरे लिस्ट का टू स्टोर दी डेटा। तो उसके लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एरे लिस्ट स्प्रिंग टाइप की हम लोग एरे लिस्ट लेके चल रहे हैं। ए इज इक्वल्स टू न्यू एंड इसके अलावा आप देखिए जब भी एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू का इन ऑर्डर टू पॉपुलेट द डेटा तो हम लोग वहाँ पर एक चीज़ और यूज़ करते हैं एरे अडेप्टर। पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एरे अडेप्टर, तो रेफरेंस वेरिएबल मैंने लिया है अडेप्टर एंड इसके अलावा यहाँ पर एक पैरामीटर में पास किया जाएगा, सबसे पहले तो इस फाइल का नाम यानी कि नेक्स्ट वन डॉट दिस कॉमा आर डॉट लेआउट डॉट आइटम्स, यानी कि ये कौन सी फाइल है, आइटम्स डॉट एग्जीमल फाइल। तो ये नेक्स्ट वन में हमने इसको यहाँ पर मैंशन किया है कॉमा ए, ए इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस एरे लिस्ट। और अब हमने क्या किया, जो हमने लिस्ट यहाँ पर ली थी यानी कि दिस वन लिस्ट, इसके थ्रू हमने सेट अडेप्टर फंक्शन का यूज़ करके इस अडेप्टर एरे अडेप्टर को यहाँ पर अटैच किया है, यानी कि जो डेटा है हमारे पास वो लिस्ट में इस एरे अडेप्टर के थ्रू पॉपुलेट किया जा सके। सो देखो हमें, हम लोग क्या चाहते हैं, हमें पहुँचना है कहाँ तक, इस वेंडर वन तक हमें पहुँचना है, राइट। तो हम लोग को सबसे पहले तो क्या करना होगा उसके लिए, फायरबेस डेटाबेस के लिए इंस्टेंस फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। इसके थ्रू क्या हुआ, हम लोग अपने डेटाबेस तक पहुंच गए हैं, इस ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है पूरा इसके थ्रू हम अपने डेटाबेस तक पहुंचे हैं डॉट। अब हम लोग किसका डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, कौन से चाइल्ड का डेटा हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वेंडर वन का डेटा एक्सेस करना, तो मैंने यहाँ पर लिखा वेंडर वन। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी Add value event listener this one। इसके अलावा हमारे पास होता है Add listener for single value event, जो कि मैंने आपको बताया क्या करेगा, डेटा को अपडेट नहीं करेगा अगर आप डेटाबेस में कुछ चेंजेस करते हो। तो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं Add value event listener, new value event listener। ये वाले इवेंट लिसनर से देखिए हमारे पास दो फंक्शंस आ गए हैं, ओवरराइड फंक्शंस ऑन डेटा चेंज एंड ऑन कैंसल्ड। तो इतना गाइज आपको लोगों को आई गेस क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए हमें क्या करना है, वेंडर वन का सारा डेटा एक्सेस करना है, तो हमने यहाँ पर चाइल्ड वेंडर वन लिखा। अभी मैं चाहती हूँ अगर कि मुझे सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा एक्सेस करना था, वेंडर वन की सिर्फ इस वाली ब्रांच का डेटा एक्सेस करना था, तो उसके लिए मैं क्या करती, उसके लिए मैं यहाँ पर और एक और चाइल्ड ऐड कर देती चाइल्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पर आईडी देती वो वाली जिस भी ब्रांच का मुझे डेटा को एक्सेस करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर ब्रांच तक पहुंच सकते हो, आपको मीन्स एक तरीके से यहाँ पर पूरा पाथ देना है, राइट। अभी इतना होने के बाद देखिए अब हम लोग जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे हम ऑन डेटा चेंज में, कि अगर भाई डेटा को चेंज किया जाए तो क्या चीज़ होनी चाहिए। सो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक कंडीशन लगाई है, इफ़
snapshot.exist. स्नैपशॉट कहाँ से आया है? स्नैपशॉट ये वाला वेरिएबल है, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है. ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह स्नैपशॉट क्रिएट हो, कहीं पर डेटा स्नैपशॉट के नाम से भी आता है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम में ये बाय डिफॉल्ट क्या वेरिएबल क्रिएट हुआ है. तो snapshot.exist means कि अगर snapshot exist करता है, यानी कि data exist करता है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, list को clear कर देंगे. आप इस function को use करो मत करो, doesn't matter. But हमने क्या किया, list को सबसे पहले clear कर दिया कि अगर already कोई data available था तो वो वहाँ से clear हो जाए. Next, अब हमने जो data है उसको iterate करवाया है using for loop. तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए फॉर लूप का हमने यूज़ किया है. फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक कि उसे चिल्ड्रन मिलते जाएंगे. जो डेटाबेस में जिस भी चाइल्ड को, यानी कि वेंडर वन को हम एक्सेस करना चाहते हैं, वेंडर वन की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो जब तक उसको उसके चाइल्ड मिलते रहेंगे तब तक वो उसको एट्रेट करता रहेगा. तो अब किस फॉर्म में उसको एट्रेट करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गेटर और सेटर्स का यूज़ करना होगा. तो उसके लिए हम लोग को एक फाइल बनानी पड़ेगी. तो हम लोग चलते हैं इस जावा में, जावा फोल्डर में जाएंगे. जावा फोल्डर में जो आपका ये पैकेज है, इसमें हमें क्रिएट करनी होगी एक क्लास. तो क्लास का नाम, लेट सपोज़, क्योंकि हम वेंडर वाले पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग वेंडर वन करके एक क्लास ले लेते हैं. आई गेस क्रिएट नहीं हुई है. जावा क्लास वेंडर वन, तो ये आ गई है हमारे पास क्लास. अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ गेटर और सेटर्स हमें क्रिएट करने हैं. सबसे पहले हम लोग को, देखिए हमारे पास डेटाबेस में इंडिविजुअल जो ब्रांच में अवेलेबल डेटा है, एज और नेम है, तो इस करना चाहते हैं. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग नेम कॉमा वो सेमीकोलन पब्लिक स्ट्रिंग एज. अब इसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज दोनों. तो हम लोग लिखेंगे पब्लिक वेंडर वन, और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देंगे पैरामीटराइज्ड के. अब उसके बाद हम लोग गेट नेम एंड सेट नेम ये वाले फंक्शंस लगाएंगे. सो ये देखिए हमारे पास गेट नेम और गेट एज दोनों के लिए हमने यहाँ पर फंक्शंस लगा दिए हैं. ऐसे ही सेट एज और सेट नेम के लिए यहाँ पर फंक्शन लगा दिया है. अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट वन डॉट जावा क्लास में. अब इस वेंडर वन जो हमने यहाँ पर क्लास क्रिएट की है, इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो जो वेंडर वन क्लास है उसमें मैंने ये वैल्यूज़ को असाइन किया है. क्या असाइन किया, देखिए मैंने स्नैपशॉट वन, यानी कि ये वाला जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था जिसमें कि हमारे चिल्ड्रन जाते जा रहे हैं, चिल्ड्रन की वैल्यूज जाती जाएंगी, ठीक है, उनसे वैल्यू उठा के कहाँ ये सेंड करनी है हमें, वेंडर वन डॉट क्लास की फॉर्मेट में हमें सेंड करनी है, जो कि हमारी सेव हो जाएगी आई वेरिएबल में. अब हमें आई से जो नेम और एज हमें उठाना है वो हम इस फॉर्मेट में चाहते हैं कि पहले नेम आए और फिर हमारे पास कोलन करके एज आए. आप यहाँ पर कुछ और फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर टेबल बना सकते हो, आप यहाँ पर टेक्स्ट व्यू सिंपल आप यूज़ कर सकते थे लिस्ट के बजाय. दैट्स टोटली अप टू यू कि आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो. उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो ए हमने एक लिस्ट ली थी एरे लिस्ट, उसमें हमने इसको ऐड करवाया है. एंड इसके अलावा एडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा चेंज, ये फंक्शन हमने लगाया है नोटिफाई डेटा सेट चेंज, कि अगर जैसे ही हमारे पास डेटाबेस में कोई भी डेटा चेंज होता है तो वो जाके हमारे पास अडेप्टर में रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि जो हमने एरे लिस्ट यूज़ की है वहाँ पर वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है. तो ये हमारा एक छोटा सा कोड है. अब यहाँ पर अभी कुछ एरर्स हैं, लेट्स सी कि क्या एरर्स यहाँ पर आ रही हैं. अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम से मैंने कनेक्ट कर लिया है अपना फ़ोन और मैं एग्जीक्यूट करती हूँ अपने प्रोग्राम को. देखिए एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है, लॉगिन पर मैंने क्लिक किया तो मैं डायरेक्टली फायर ऐप वाले जो शो वैल्यूज़ वाला था वहीं पर मैं डायरेक्टली पेज पे पहुंच गई हूँ. जो साइन इन था वो सब मैंने स्किप कर दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो. तो अभी देखिए मैं शो वैल्यूज़ पर करती हूँ क्लिक, तो ये देखिए मेरे पास डेटा आ गया है जो कि डेटा बेस में अवेलेबल था, वाणी, उसकी एज. देखिए हम लोग डेटा बेस भी ओपन कर लेते हैं, तो यस. सो देखिए हमारे पास, देखिए जैसे कि वाणी वन के लिए हमारे पास था,
और ये दोनों एज दोनों सब चीज़ें इसमें आ रही हैं हमारे पास. दिस वन पराग 23 मीन्स इस तरीके से हमारे पास ये पूरा का पूरा डेटा आ गया है और ये हमारे पास स्क्रॉलेबल डेटा है. राइट, अभी देखिए मैं इसमें से कोई डेटा को डिलीट करती हूँ तो वो तभी की तभी आपके पास यहाँ पर शो होगा. तो जैसे मैंने पराग वाला डेटा अगर यहाँ से करती हूँ डिलीट, यहाँ से मैंने इसको किया डिलीट, तो ये देखिए यहाँ पर पराग वाला डेटा डिलीट हो गया है हैंड टू हैंड. बट अगर मैं यहाँ पर यूज़ करती सिंगल वैल्यू इवेंट लिस्नर तो ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होती. अगर मैं यहाँ से डेटा को डिलीट करती तो वो यहाँ पर डिलीट हमारा नहीं होता. जो वैल्यू एक बार एक्सट्रैक्ट हो चुकी है वही वैल्यू वो यहाँ पर रहती. तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एड वैल्यू इवेंट लिस्नर और सिंगल वैल्यू इवेंट लिस्नर. सो अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती थी वो ये है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सेस किया वेंडर वन को, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जैसे कि वाणी और उसकी एज केवल आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चाइल्ड और उसकी आईडी देनी है. एंड इसके अलावा यहाँ पर हम वेंडर वन क्लास का यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, दैट्स ऑल. ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फायरबेस डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, आजकल मुझे रील्स इंस्टाग्राम पे जो रील्स होती हैं वो बनाने का बहुत शौक लगा है. मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी तो मैंने एक ट्राई दिया है इसको, तो आप चेक कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फॉर माई स्कॉलर्स दीपाली, और जितनी भी रील्स हैं मैं वही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड रील्स वहाँ पर डाल रही हूँ. तो अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. सो थैंक यू, गुड लक.